होने वाली जनसुनवाई के दौरान आज सुनवाई में आए तनूर गांव निवासी किसान हरिराम यादव पिता राजाराम यादव ने बताया कि उसने समर्थन मूल्य पर अपना चना शासन से अधिकृत विभाग को दिए थे। इसके एवज में मुझे मेरे भुगतान राशि बकाया थी जो समय के अनुसार किया जाना था लेकिन अभी तक नहीं किया गया। कुल भुगतान में आधा भुगतान बैंक ऋण में जमा कर दिया गया, शेष भुगतान के लिए मैंने कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूँ परंतु मुझे टालमटोल कर भोपाल का हवाला देते हुए प्रार्थी का भुगतान नहीं किया जा रहा। इसी से नाराज होकर किसान आज जन सुनवाई के दौरान भरी दोपहरी में कार्यालय फेसबुक तान की मांग कर सामने धरना देते हुए धरने पर बैठ गया। उक्त धरने पर बैठे किसान से बड़वानी SDM घनश्याम धननगर ने सहानुभूतिपूर्वक चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रक्रिया कर संबंधित किसान को भुगतान राशि के लिए किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इस बात को देखते हुए किसान ने अपना धरना समाप्त कर दिया। आपका नाम? मैं हरिराम राजाराम यादव, तलून। तलून के रहने वाले जी। आज ये भरी दोपहरी में लगभग 1:30 बजे के लगभग पूरी जो है गर्मी स्वभाव पे है, कलेक्टर कार्यालय के यहाँ तुम सड़क पे क्यों बैठे हो? अरे साहब, मैं 1.5 महीने से परेशान हूँ। 5 तारीख से चने डले हुए हैं मेरे, 14 क्विंटल 50 किलो, तो इन्होंने 40,000 रुपये मेरे खाते में आने का था जिसका 1.5 महीने हो गए, अभी तक पैसा नहीं डाल रहे हैं। और जब भी फ़ोन लगाते हैं तो वो बस मोबाइल पे OTP मांग लेते हैं और फिर वापस अपने काम में लग जाते हैं। हमको कहीं पैसा नहीं मिला अभी तक। अब खाद बीज खरीदेंगे, कुछ कई समय आ रहा है बारिश का। आपने जो कलेक्टर साहब को पिछली जन सुनवाई में भी दिया था, पिछली जन सुनवाई में संबंधित अधिकारी को साहब ने निर्देशित किया था कि इनको इनकी समस्या का निराकरण करो, तो वो संबंधित अधिकारी ने बोला कि 18 तारीख के दिन में आपके पैसे आ जाएंगे, हमारी गारंटी है। कौन से अधिकारी ने बोला? अब वो SDO DSEO कोच कुछ है वो अधिकारी अंदर खाद्य विभाग वाले, तो उन्होंने अभी तक आज भी बोले बैठो हम करते हैं निराकरण। मैंने कहा अब मैं धूप में बैठा हूँ, किसान आदमी हूँ, धूप से मरूँगा नहीं, बाकी अब मेरे को कुछ भी होगा ये संबंधित अधिकारी की जवाबदारी है कि उसका उसकी जिम्मेदार वो रहेंगे। अब मेरा खाता भी आधार लिंक हो गया है, सब कुछ हो गया, 1.5 महीने हो गए। अमिता मौर्य, DMO। किस पद पे आप? DMO डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर। कलेक्टर कार्यालय में भरी दोपहरी के अंदर 1:30 बजे का समय हो रहा है और गर्मी पूरे स्वभाव पे है, मतलब और एक किसान जो है वहाँ कलेक्टर कार्यालय साहब भी सड़क पर बैठा है, क्या कारण रहा है? इनका कारण ये है कि इनका पेमेंट नहीं आया है चने का, इनका कहना है, लेकिन इनके 2 पेमेंट थे, एक लोन का पेमेंट था और एक इनका समर्थन मूल्य पे पेमेंट था। जो लोन का पेमेंट है इनका जिला सहकारिता बैंक में जो कि आ गया है, और एक जो पेमेंट आना था वो आधार कार्ड से लिंक है, तो इनका जो आधार कार्ड से लिंक अकाउंट है वो अपडेट नहीं हुआ था। अब वो अपडेट होके गया है भोपाल और अपडेट होके ही अब एक आध वीक में उनका बोलना है कि आ जाएगा पेमेंट, क्योंकि काफ़ी किसानों को ये नहीं पता था कि जो आधार कार्ड से अकाउंट लिंक है उसी में आएगा इनका इस बार समर्थन मूल्य पर। ये नया नियम था जो दोनों चीज़ों में लागू है, गेहूं में भी लागू था और चने में भी लागू है, जो आधार कार्ड से अकाउंट लिंक करना था उसी में आएगा इनका समर्थन मूल्य का पेमेंट। किसान का मामला है कि ऐसे और भी बहुत सारे किसान? नहीं, ये किसानों का और भी है, और भी किसानों का है ये मैटर, जिसमें इनके आधार कार्ड अपडेट करना है जिनको जो अकाउंट से, और अपडेट करने के बाद इनके कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो अपडेट नहीं हुए हैं, तो वो हमारे स्तर से नहीं बैंक स्तर से होंगे, वो बैंक और समिति उसको अपडेट करेगी और फिर वहाँ से अपडेट होने के बाद वो वापस से EPO जारी होंगे इनके। किसान का कहना है कि पिछली जनसुनवाई में भी आए थे और 18 तारीख को निराकरण। जी, हमने हमारी तरफ से लेटर भोपाल को लिख दिया है कि ये किसान हैं जिनके EPO फेल हुए हैं आधार कार्ड से लिंक होने की वजह, या फिर अकाउंट इनके नहीं थे, वो हमने सब लिंक करके पहुँचा दिया है, पर ये लिंकिंग का काम बैंक स्तर से, हमारे स्तर से नहीं होगा। वो मैडम, वो किसान का कहना है कि समय अनुसार भुगतान होने के कारण किसानों बीज वगैरह खाद वगैरह, हाँ वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो हम लोगों के स्तर से नहीं है, बैंक और समिति अपडेट करेगी उसका आधार को, और वो आधार अपडेट होने के बाद ऊपर से भोपाल स्तर से ही आएगा पेमेंट। कितना समय लगेगा? 1 वीक का बोला है उन्होंने कि नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। आज जन सुनवाई में किसान के द्वारा पिछले माह समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय किए गए थे, उसके पेमेंट के संबंध में आवेदन दिया गया था। इसमें किसान के का जो बैंक से अकाउंट लिंक है वो आधार अपडेट उस आधार के साथ अपडेट नहीं था, इसकी वजह से पिछली बार ट्रांजैक्शन फेल हो गया था। इसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा भोपाल बात की हुई है, जल्द ही उसका पेमेंट हो जाएगा। आधार से जो
अकाउंट लिंक होना था ना, वो लिंक नहीं था, फिर उनको लिंक करवाना था, फिर वापस से लिखी हो जाती है। दो तीन दिन का मैडम बोल रही है, पर्सनली कॉन्टेक्ट कर रही है ना, आप कोऑर्डिनेट भी करना, ये रोज आप बात कर लो, एक बार भी कर लो। आज आए हैं, तीन तीन आए हैं, उसमें बोल रहे हैं कि पेमेंट फेल हुआ है, तो उसमें से काफी लोगों के आ गए हैं, उनका अगर नहीं होगा उसमें तो एक बार और पेमेंट चेक करवा, आप एक बार बात कर लो कि इनका स्पेशल है, थोड़ी अलग परेशानी है, उसका समय लगेगा ऐसे पेमेंट नहीं। अगर आपका अपडेट किस डेट में, 5 तारीख को अपडेट किया हुआ है, 5 मई कौन सी बैंक में करवाया था, 13 तारीख बैंक में, तो उनसे हम लोग बात कर चुके हैं, आपके लेटर जा चुके हैं, अभी सभी भी आज फिर आए हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता आपको, हमारे स्तर से पेंडिंग नहीं है ना, ये भोपाल स्तर से ये पेंडिंग, वो भोपाल स्तर से हो कि कहीं से हो, मेरा पेमेंट आया जब तक नहीं आएगा मैं अभी यहीं बैठूंगा, वो कलेक्टर साहब मेरे को जेल भिजवा दे। अरे आज आपका पेमेंट एक दो दिन में आ जाएगा, हमारा कहना यही है ना, पिछले हफ्ते भी यही कहा था, पिछले हफ्ते नहीं होता ना, मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था मैडम, तो हार्ट वॉच का बोल रही थी, हार्ट वॉच का आप नहीं बताएंगे, पिछले हफ्ते इन्होंने कहा था कि कल की तारीख में आपका पेमेंट आ जाएगा, पिछले हफ्ते हमने अपनी तरफ से लेटर पर पहुंचा दिया कि, तो उसका मैं क्या करूं, बार बार मेरे को फोन लगा के ओटीपी पूछता है, कोई ये कहां से आ रहा भैया आपका पेमेंट आया नहीं आया, ओटीपी दो, अब ऐसे में कोई गलत आदमी मेरे से ओटीपी ले ले तो मेरा तो कोई काम नहीं, बिगाड़ के रख देना, ओटीपी लेने वाला आपको पूरा डिटेल देगा कि ये, मैंने वो डिटेल देगा तो रहे हैं और ये है, क्योंकि नियम वो कुछ भी होगा, खाता उसमें अपडेट होगा, खाता अपडेट नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं आ पाएगा। अब मेरे को